अस्सलाम वालेकुम, हमारी वीडियोस देखने का शुक्रिया। आज एक क्वेश्चन आया है कि एलबी हो रहे हैं इन स्विंग के ऊपर, और इन स्विंग को किस तरह खेला जाए, और जो लोग मुसलसल एलबी हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। अच्छा, एक तो ये है कि ऑब्वियसली जब आप क्या कहते हैं बॉल के ऊपर नहीं जाते, या लाइन ऑफ हो जाती है, या मिस लाइन मतलब लाइन रीड गलत कर लेते हैं, तो एलबी हो सकते हैं। एक ये होता है कि गेंद स्विंग लेटर होता है और आप फॉल ओवर कर जाते हैं, ठीक है। तो जो फॉलिंग ओवर है बेसिकली मेरा ख्याल है कि उसकी कॉज की वजह से आप लाइन गलत खेल जाते हैं। तो अगर हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करें तो अगर ये हमारा स्टांस है ना, तो अगर मेरा सर थोड़ा सा यूँ चला जाएगा ना, तो मैं जो मिडल स्टंप की गेंद है ना, मुझे ऐसे लगेगा कि लेग स्टंप से बाहर जा रही है, ठीक है। तो फिर होगा ये कि मैं जैसे जैसे शॉट खेलता जाऊंगा, मेरा वेट इस तरफ गिरता जाएगा और मैं ओवर बैलेंस हो जाऊंगा। अगर मैंने कनेक्ट कर भी दिया तो एरियल है, तो छक्का भी लग सकता है, लेकिन सेफ नहीं है, क्योंकि आप गैर दानिस्ता तौर पर ऊंचा खेल रहे हैं। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी आइस को जो है ना वो लेवल रखें। अगर आप शफल वगैरह करते भी हैं तो अपने आप को अलाइन करें फ्रंट शोल्डर के साथ, ठीक है, और कोशिश करें कि लेवल आइज़ के साथ ही बॉल की लाइन की तरफ जाएं। जब आप लेवल आइज़ के साथ बॉल की लाइन की तरफ जा रहे होंगे तो ये गिरने वाला जो चक्कर है वो नहीं होगा, और आप बॉल की सही लाइन को खेलेंगे। एक और चीज़ जो बिग इन स्विंग बॉलर्स हैं जिस पे हम गलती करते हैं, हम वो ये करते हैं कि क्योंकि बड़ा बड़ा अंदर आ रहा होता है तो हम ऑन साइड पे खेलने चले जाते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि अगेन हमारा बैलेंस गलत हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आपकी अलाइनमेंट ये होनी चाहिए कि यार मैंने इसको बॉलर बैक मारना है, सही है, इन स्विंग भी आ रहा है तो मैंने इसको मिड ऑन या सीधा ही खेलना है। तो फिर जब स्विंग हो रहा होगा तो आप खेल लेंगे, लेकिन अगर आप उसको पहले ही यूँ खेलने जाएंगे तो आपका बैलेंस ऑफ बैलेंस होने का चांस है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा दो चीज़ें इसमें, एक तो अपनी जो है ना वो आंखों को लेवल रखें और कोशिश करें सीधा खेलें, बेशक बॉल आपको मिडिल लेग में लग रहा हो। थैंक यू।